डियर स्टूडेंट्स द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सेफ्टी एंड हेल्थ मूवमेंट्स दैन एंड नाउ इसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली देखना क्या है कि जो हेल्थ की मूवमेंट्स हुई आज से पीछे आज से एक सौ साल पहले दो सौ साल पहले और उसके बाद अब हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं ये टॉपिक बेसिकली हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव के हवाले से ही है और ये ज़्यादा लिटरेचर दुनिया के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बनाया गया है लिखा गया है पढ़ा गया है समझा गया है उस पर काम भी किया गया है बाकी कंट्रीज के अंदर भी लिटरेचर अवेलेबल है लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मुकाबले में कंपेरेटिवली कम है अगर हम देखें ट्रेजडीज दैट हैव चेंज द सेफ्टी मूवमेंट तो उसमें बहुत से वाक़त दुनिया में पेश आए हैं और पर्टिकुलर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हवाले से बात करेंगे जैसा कि इसमें हॉक्स नेस्ट स्ट्रेजडी है हॉक्स नेस्ट स्ट्रेजडी क्या है मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ इसके अलावा एसबेस्टो है द भोपाल ट्रेजडी है ये बेसिकली तीन मेजर ट्रेजडीज पेश हुई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और उसके बाद हम इनको देखेंगे कि ये इवेंट्स जो अकल हुए उन्होंने किस तरह से हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव में हेल्थ सेफ्टी और उसके जो मेयर्स थे उनको कैसे चेंज किया ट्रेजडीज दैट द सेफ्टी मूवमेंट नंबर वन वाज गिवन अ अंट्रैक्ट टू वे

Selikov studied that mortality rate of 17,800 workers who had been exposed to asbestos. He found asbestos related cancer in lungs. Second, gastrointestinal tract. Then, kidney. Third, pancreatic cancer. And the fourth one, bile duct of workers. स्टोमिक रिलेटेड इश्यूज़ पैदा हुए एम्प्लॉइज़ के अंदर मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इस पर्टिकुलर टॉपिक का कि जब हेल्दी वर्किंग एन्वायरमेंट्स नहीं होगा तो वहाँ पे इम्प्लॉयज़ के अंदर मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेज़ पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसीलिए ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क सेटिंग डिवेल्प किया जाए तो एम्प्लॉइज़ की हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए अगर आप लोग एम्प्लॉय की हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय के साथ डिफरेंट पर्टिकुलर डिजीज होने का ख़दशा अपनी जगह मौजूद है जैसा कि सबसे पहले ट्रेजिडी पेश हुई जो कि हॉक्स नेस्ट वेस्ट के हवाले से थी जिसमें सेवनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड वर्कर्स इन मुख्तफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हुए और अल्टीमेटली वो लोगों की मोर्टलिटी रेट में इजाफे का भी बास बने उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह ऑन द मॉर्निंग ऑफ दिसंबर 3rd इन 1984, एटी फोर ओवर फोर्टी टनस ऑफ मिथायल आइसोसिनेट एंड अदर लिथल गैस अब आपको मालूम है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन गैसेस में डील कर रही है मेटल में डील कर रही है या नॉन मेटालिक एक्टिविटीज़ में डील कर रही है तो उनके प्रॉपर अब एस ओ पीज डिवेल्प हो चुके हैं लेकिन 200 हंड्रेड ईयर्स बैक इस तरह के एस ओ पीज उस वक्त डिवेल्प नहीं थे तो ये भी एक ट्रेजडी पेश हुई जिसके नतीजे में इंक्लूडिंग हाइड्रोजन लीक नॉर्दर्न एंड ऑफ भोपाल किलिंग मोर देन थ्री थाउजेंड पीपल इनिट्स आफ्टर मैथ तीन हजार से ज्यादा एम्प्लॉय फौत हो गए उनकी मेन वजह क्या थी गैस लीकेज थी गैस लीकेज को कवर करने के प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं थे तो ये सेकेंड ट्रेजडी पेश हुई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो रोल ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो ऑर्गेनाइज लेबर है उसमें the fellow servant rule held that employers were not liable for workplace injuries that resulted from the negligence of other employees agar organization mein ye baat bata di jaye ki employer is no responsible for the injury of employee to phir kya hoga बाकी अगर employee किसी के साथ भी कोई इस किस्म का हादसा पेश आता है तो वहाँ पे जो employer है वो जिम्मेदारी own नहीं करेगा अब employees की health, employees के issues, employees की हेल्थ रिलेटेड इशूज इन सब की जिम्मेदारी इम्प्लायर के ऊपर आती है अगर आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लायर पे नहीं डालेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा ऑर्गेनाइज लेबर एग्जिस्ट नहीं होगी अब सेकेंड पार्ट इस स्लाइड का हम देखते हैं ऑर्गेनाइज लेबर प्लेड अक्रुश रोल इन ब्रिंगिंग टेरिबल वर्किंग कंडीशन टू दटेंशन ऑफ दल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का एक इमेज सॉफ्ट डिवेल्प होना चाहिए कि कोई भी इंप्लायी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे अब कब इम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे जब इम्प्लाई को अच्छी हेल्थ मिलेगी वहाँ पे एम्प्लॉ को अच्छी सैलरी मिलेगी एम्प्लाई को हेल्दी वर्किंग कंडीशन मिलेंगे इम्प्लाई के अंदर जॉब कमिटमेंट होगी जब ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट होगी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉई को जॉब सेफ्टी नहीं मिलती इम्प्लाई को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती तो आप मत एज्यूम करें कि वो इम्प्लॉ ऑर्गेनाइजेशन की फेवर के लिए काम करेगा वो इम्प्लॉ काम तो करेगा लेकिन इंटेंशन टू लीव को जहन में रख के काम करेगा वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेश में भी अप्लाई करेगा जहां पे ये फैसिलिटीज उसके लिए अवेलेबल हैं अगर ये फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हों तो वही इम्प्लाई इस ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशन के इमेज को एनहानस करने का बायस बनेगा अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट मैंने आपके लिए बेटा लिखा है रोल ऑफ स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स दीज ट्रेजेडीज़ जो पहले तीन पेश हुई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फोकस्ड किया किस चीज़ के ऊपर अटेंशन ऑन माइनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी माइनिंग के अंदर इशू पैदा हुए माइनिंग की वजह से गैस पैदा हुई गैस की वजह से जहरीले कंटामिनेटेड वाटर डिस्चार्ज हुआ उसकी वजह से एम्प्लॉई के हेल्थ के कैंसर डिवेल्प हुए जिसकी वजह से थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड फोर थाउजेंड किल्ड हुए या डाई हो गए वफात पा गए अब इन चीज़ों को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 1977 में एक्ट पास किया जिसका नाम था कोल माइन हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट ये इंसानी तारीख में बहुत अहम इकदाम था और इसको सेफ्टी एंड हेल्थ मूवमेंट नो एंड देन के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये जो एक्ट पास हुआ उसकी मदद के साथ हम बाद में देखते हैं कि इन लेटर ऑन 1978 एट टू ब्रॉडन द स्कोप ऑफ इट्स कवरेज कि वो जो 1977 के अंदर एक्ट पास हुआ उसको वहाँ पे ही नहीं रखा गया बल्कि लेटेस्ट स्टेज के ऊपर उसके स्कोप के अंदर उसकी सिग्निफिकेंस के अंदर उसकी इम्पोर्टेंस के अंदर और उसके ऑब्जेक्टिवस के अंदर इजाफा किया गया ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन जो माइनिंग के साथ अटैच नहीं है उनके अंदर भी लेजिस्लेशन की जा सके और लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट किया जा सके इसके साथ हम लोग ये देखना चाहते हैं पिक्टोरियल इफ़ेक्ट जो मैंने अभी आपको चीज़ें बेटा पेश की एस बेस्टोस उसका ये पिक्टोरियल इफेक्ट है यहाँ पे गौर से देखें आप कैंसर लंग्स डिजीज हैजर्ड्स कीप आउट अथोराइज पर्सनली ओनली बेसिकली इट इज अथोराइज टू पर हु आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन यू उसके लिए है अब ये सेफ्टी एंड हेल्थ मूवमेंट का पिक्टोरियल इफेक्ट है बेसिकली इसको अगर देखा जाए तो इसमें यहाँ पे इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट के साथ बयान किया गया है कि आर्गनाइजेशन के अंदर जो हिस्टोरिकल परस्पेक्टिवस है उसमें ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग एनवायरमेंट ठीक नहीं था लेकिन बाद में हम लोगों ने ये देखा कि वो जो वर्किंग एनवायरमेंट ठीक नहीं था उसकी बेहतरी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत काम किया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वी नो दैट देर वर डिफरेंट ट्रेजडीज़ अकर्ड इन बैक 100 इयर्स ईयर्स या टू हंड्रेड बट दे ओवरकम ऑन दिज ट्रैजडीज़ उन लोगों ने उन ट्रेजडीज को ट्रेजडीज़ नहीं समझा बल्कि उनके ऊपर ओवरकम भी किया और ला पास किए और अपने एम्प्लॉयज़ के हेल्थ एंड सेफ्टी को इंप्रूवमेंट के लिए मुख्तफ मेकानिज़म डेवलप किए जिसकी मदद से आज यूनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेफ सिक्योर एंड प्रोवाइडिंगल्दी वर्किंग एनवाइट टू दी एम्प्लॉइज ऑफ दर्गनाइजेशन यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी मैंने देखा है वहाँ पर कि जो इम्प्लाईज़ वहाँ काम कर रहे हैं उनको आफ्टर फोर्टी फाइव मिनट या सिक्सटी मिनट ब्रेक दी जाती है फाइव टेन मिनट्स ब्रेक वाई जस्ट टू रिलैक्स देयर मसल इफ़ समवन वुड लाइक टू टेक टी समवन वुड लाइक टू टेक वाटर ही कैन ईजीली टेक इट बट आफ्टर टू आर लिटिल बेड्स आर एज कम्पेयर टू वन आर ब्रेक वो ब्रेक थोड़ी सी ब्रॉडर सेंस में ली जाती है या फिफ्टीन मिनट्स की और उनको समटाइम टेन ट्वेंटी थर्टी मिनट्स की ब्रेक इसलिए दी जाती है कि वो इम्प्लाई आर्गेनाइजेशन में बर्डन फ़ील ना करे और आपको मालूम है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लाई बर्डन फ़ील नहीं करेगा तो उसका एन्वायरमेंट उसको हेल्दी वर्किंग एन्वायरमेंट नज़र आएगा और वही इम्प्लाई जैसे अपने घर में सेफ सिक्योर हेल्दी सेफ्टी फ़ील करता है उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी फील करेगा इस तरह एक वर्क लाइफ बैलेंस बेहतरीन डेवलप हो जाएगा